आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर में आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन के द्वारा साप्ताहिक समागम बैठक आयोजन किया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह जी और स्वामी विवेकानंद जी और भारत माता जी को वंदना करते हुए एवं उन्हें अपना आदर्श मानते हुए बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वीरांगना प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष बहन प्रिंसी समैया जी के नेतृत्व में सम्पन्न हुई एवं बैठक में मंगलाचरण एवं स्वास्थ्य वचन के साथ बैठक को सम्पन्न किया गया। सभी स्वास्थ्य सदस्यों ने संगठन की प्रतिज्ञा जय घोष के नारे भी लगाए। बैठक में विशिष्ट अतिथि ऋषि प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राम छवि जी महाराज जी, केंद्रीय वीरांगना प्रकोष्ठ अध्यक्ष रविता हिंदू जी, स्वालंबन स्वरोजगार प्रकोष्ठ केंद्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार जी, श्री गिरीश नेमा, श्री प्रशांत घोष जी, राजभान वर्मा जी, बहन सीमा मेहरा जी, बहन शकुंतला वर्मा जी, बहन ममता ठाकुर जी, बहन स्नेहलता साहू, स्वदेश जैन जी, शारदा प्रसाद साहू जी एवं गिरीश नेमा जी की उपस्थिति रही। आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन की आपातकालीन बैठक यहाँ पर की गई है और इसका विषय है कि जो अंकिता राठौर नाम की इंदौर की रहने वाली जो लड़की है, यहाँ जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील का कोई एक मुस्लिम जिहादी लड़का है, उसने अपने जाल में फंसा करके और अवैध तरीके से अनैतिकता के अनुसार जो है उस लड़की को विवाह करने के लिए कलेक्टर महोदय की ऑफिस जबलपुर में आवेदन किया है और हम राष्ट्रीय हिंदू संगठन के समस्त कार्यकर्ता यह आंदोलन करना चाहते हैं कि इस विवाह को किसी न किसी तरीके से, चाहे जो भी कुछ करना पड़े, हम विवाह नहीं होने देंगे। और मैं जबलपुर के सभी संगठनों से जी बताइए, आज हम सभी राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सभी पदाधिकारीगण एवं अन्य हिंदू संगठन के सदस्यगण, हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये जो इंदौर की जो हमारी एक बेटी है अंकिता राठौर, उसका जो विवाह, जो अंतरजातीय विवाह कर रही है हासनीन अंसारी के साथ, उसके विरोध में कि क्या सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लड़कों की कमी है या कि अपने धर्म में वे खुश नहीं हैं। उन्हें सूटकेस में पैक होना, फ्रिज में पैक होना और निर्लज्जता के साथ अपनी हत्या करवाना और अपने माँ बाप के मुंह पर कालिक पोतना ज़्यादा पसंद है। हम इस बैठक के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि 12 तारीख को यह जो विवाह हो रहा है, क्या परिवार वालों की रजामंदी से हो रहा है, सहमति से हो रहा है? और यदि सहमति से हो रहा है तो क्या माता पिता आज इतने लाचार और बेबस हो गए हैं कि अपने धर्म को भूल रहे हैं और अपनी बेटी को मौत के गले लगाने के लिए, इस विवाह के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 12 तारीख को आप अपनी बेटी के विवाह के लिए जबलपुर उपस्थिति देवें। और यदि परिवार के सदस्य यदि रजामंदी से विवाह नहीं हो रहा है तो माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि कृपया कर संज्ञान में लिया जाए, जब तक परिवार की रजामंदी ना हो, भले बच्चे 18 वर्ष के होने के बाद कानून उनको अधिकार दे रहा है कि आप शादी कर सकते हैं, तो माँ बाप का अधिकार क्या केवल 18 वर्ष तक बच्चों को पालने के लिए है, उनका पोषण करने के लिए है? और 18 साल के बाद क्या बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो अपना शोषण करवाने के लिए पूरे 18 साल की माँ बाप की कमाई जो है, इज्जत है और साथ में उनका त्याग परित्याग है, क्या यह धूमिल करने के लिए बेटियों को इस तरह से मौत के घाट उतरना चाहिए? मैं इसका कड़ा विरोध करती हूँ और सभी हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सभी सदस्य पदाधिकारीगण, आज हम सभी ने आपातकालीन एक बैठक रखी थी जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की। मैं रविता हिंदू, वीरांगना प्रकोष्ठ से केंद्रीय अध्यक्ष। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।